नमस्कार दोस्तों, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है हमारे YouTube चैनल जड़ी बूटी ज्ञान आओ देखवाल मिक्स में। दोस्तों, आज भी मैं आप लोगों को एक और नए पौधे से परिचित करा के उसके महत्वपूर्ण औषधि प्रयोग बताने वाला हूं। जैसा कि आप लोग देख पा रहे हो, ये नदी में ये पौधा लगा हुआ है, जिसे हमारे क्षेत्रीय भाषा में और हिंदी भाषा में भी मगरलोट कहा जाता है। तो यह मगरलोट का पौधा है, आप लोग भी देख करके पहचान लीजिए और इसके भरपूर फायदा उठाइए, क्योंकि आज मैं आप लोगों को इसके बहुत ही ज़बरदस्त फायदे बताने वाला हूँ, जो सच में आपको चौंकाने वाला होगा। क्योंकि जहाँ बड़े बड़े डॉक्टर लोग जो थक जाते हैं, वहाँ इस औषधि का प्रयोग होता है और यह सफल और पूरी तरह से ठीक कर देता है। तो किन किन बीमारियों में इस महाऔषधि का मगरलोट का प्रयोग होता है, आइए जानते हैं। तो सबसे पहले जो लोग नहीं पहचानते हैं, वे लोग पहचान कर लीजिए। यह नदी किनारों में जहाँ पानी का क्षेत्र होता है, वहाँ पे पाया जाता है। और इसके पत्ते इस तरह से बहुत ही सुनहरे और नोकदार कोमल होते हैं। इसके फूल भी बहुत ही अच्छा सुनहरा दिखाई देता है, बहुत ही छोटा छोटा गुच्छों में एक साथ लगा रहता है। इसके तने जो है, बीच बीच से इसमें गांठें दिखाई देती है, इसके तनों में गांठ गांठ जैसी बनी रहती है। ये पूरा मगरलोट के पौधे का पहचान है, आप लोग देख करके पहचान कर लीजिएगा। अब मैं आप लोगों को इसका औषधि प्रयोग बताना शुरू कर रहा हूँ, ध्यानपूर्वक सुनते रहिए। भविष्य में आपका यह बहुत काम आने वाला है, किसी की सहायता करने के लिए या फिर खुद की प्रयोग करने के लिए। तो ये मगरलोट का जो आप फूल देख रहे हो, ये फूल बालों के लिए एक अच्छी दवा है। और इसके फूल को बालों में कैसे लगाया जाए जिससे बालों में नई जान आ जाए, तो इसके फूलों को आप तोड़ करके कुचल करके चटनी बना लीजिए। चाहे जैसे भी बनाओ, चटनी बना लीजिए फूलों को तोड़ करके। चटनी बनाने के बाद आप इसमें थोड़ा सा नारियल तेल मिला दीजिए, शुद्ध नारियल का तेल। अब उस नारियल के तेल को इसमें डाल करके अच्छे से इसको पेस्ट तैयार कर लीजिए। और जब पेस्ट हो जाए तो इसको अपने बालों में लगा करके छोड़ दीजिए। 15-20 मिनट लगा रहने के बाद आप अपने बालों को धो लीजिए। इस तरह से रोजाना करने पर बालों की जो पतलापन है, जिनका बाल बहुत पतला होता है, जिसकी वजह से उन्हें लगता है कि हमारे बाल बहुत कम हैं या फिर झड़ रहे हैं, भूरे हो रहे हैं, अच्छे से पोषण नहीं मिल पा रही है बालों को, तो उन सभी समस्या का यह समूल नष्ट करने वाला औषधि होता है मगरलोट के फूल का प्रयोग। तो आप फूलों को इस तरह से चटनी पेस्ट बना करके, नारियल तेल डाल करके रोजाना इस तरह से प्रयोग करके देख सकते हो। लगभग 15 दिन के इस्तेमाल से आपको बालों में फर्क दिखाई देने लगेगा। यह बालों की रूसी डेंड्रफ को भी खत्म करता है, बालों को जड़ों से मजबूत करता है और पतलापन दूर कर मोटा होता है। बाल जो भूरे रहते हैं, वो धीरे धीरे से काले होने लगते हैं। माने एक शब्दों में कहा जाए तो यह बालों को जड़ से मजबूत और हेल्दी बनाता है। अब इसके पत्तों के फायदे सुन लीजिए, क्योंकि पत्ता भी इतना ज़बरदस्त औषधि के रूप में कार्य करता है कि आपको मैं क्या बताऊँ। जो लोग बड़े बड़े हॉस्पिटल से या फिर जो गोल्ड मेडलिस्ट डॉक्टर हैं, उनके पास से इलाज करा करके थक चुके हैं, या फिर ऐसे व्यक्ति जो जिनको कभी जड़ी बूटी पे भरोसा था ही नहीं, वे लोग भी इस जड़ी बूटी पे भरोसा करने लगे हैं। इतना पावरफुल ज़बरदस्त औषधि है यह मगरलोट का पौधा। मगरलोट की जड़ को आप उखाड़ लो और इसके पत्ते को तोड़ लो। इसके पत्ते को भी सुखा करके पाउडर कर लो और इसके जड़ को भी सुखा करके अच्छे से धो करके पाउडर कर लो। दोनों के पाउडर को आप प्रतिदिन, जो फेफड़े संबंधित रोग से पीड़ित हैं, जो लोग जैसे श्वास की बीमारी हो गया, दमा हो गया, टीबी हो गया, इस तरह की और भी बहुत सारे रोग हैं, जो कफ रोग होते हैं, जिनका बलगम सीने में जमा होता है और खांसने पर निकलता रहता है, या फिर सीधी सी भाषा में कहा जाए तो फेफड़ा जिनका खराब होता है, श्वास नली खराब होती है, इस तरह की समस्या को दूर करने के लिए आप इस मगरलोट के पत्ते का पाउडर और मगरलोट के जड़ का पाउडर दोनों को 5 ग्राम लेकर के 5 ग्राम शहद और 2 ग्राम लौंग का पाउडर, यह एक डोज है। इस तरह से आप रोजाना कफ की समस्या वाले को खिलाइए, फेफड़े की हर प्रकार की समस्या वाले को खिलाइए। उनका दमा रोग, श्वास रोग, फेफड़े की हर प्रकार की समस्या, टीबी रोग जड़ से खत्म हो जाता है और उनको पूरी तरह से आराम मिल जाता है 1 महीना इस्तेमाल करने पर। अगर 1 महीना में भी ना हो पाए तो 1.5 महीना इस्तेमाल कर लीजिए, लेकिन यह फ़ायदा आपको ज़रूर करेगा। श्वास दमा की यह एक सुप्रसिद्ध औषधि है, चाहे जैसे भी इस्तेमाल करो, फ़ायदा अवश्य करेगी। और जिनको इसके अलावा हृदय के बीमारी है, दिल की धड़कनें जिनकी तेज रहती है, कभी भी हार्ट अटैक आने की संभावना रहती है, तो उनको भी इसके जड़ का पाउडर को प्रतिदिन रोजाना मिश्री मिला करके बराबर मात्रा में गुनगुने पानी के साथ लेना चाहिए। इससे उनको हार्ट फेल की समस्या कभी नहीं होगी।
यह हृदय को भी मजबूत करता है क्योंकि हृदय की गति को सामान्य रखता है। यह मगर लोट बहुत सारे रोगों को ठीक करता है, जैसे महिलाओं के प्रदर रोग को जड़ से खत्म करता है। बवासीर के मस्से में इसकी जड़ लगाने से मस्से का दर्द शांत हो जाता है। धातु प्रमेह रोग में भी इसका जड़ प्रयोग होता है। जिनको स्वप्न दोष की समस्या है वह भी इसकी जड़ का प्रतिदिन 5 ग्राम सेवन कर सकता है, मिश्री मिला करके। जिनको स्तंभन शक्ति बढ़ाना है वह पलाश के पत्तों का रस और इस मगर लोट की जड़ का पाउडर दोनों को एक साथ मिला करके गोली बना लें और गोली बनाने के बाद उस गोली को खाते रहें। इससे स्तंभन शक्ति बढ़ती है, शीघ्र पतन खत्म होता है, स्वप्न दोष भी दूर होता है। इस मगर लोट की जड़ से सर दर्द भी ठीक हो जाता है। सर के दर्द में मगर लोट की जड़ को माथे पे लेप किया जाता है और इसके पाउडर को मिश्री के साथ लिया जाता है। अगर दोनों एक साथ किया जाए तो सर दर्द 5-10 मिनट में उतर जाता है, ख़त्म हो जाता है। अगर किसी को पेट में गर्मी बढ़ चुकी है जिसकी वजह से गैस बन रहा है तो उस गैस्ट्रिक वाले समस्या में भी आप इस मगर लोट की जड़ का पाउडर को अजवाइन, सेंधा नमक और नींबू का रस तीनों को एक साथ मिला करके इस मगर लोट के पाउडर में सेवन कर सकते हो। इससे गैस की समस्या तुरंत बंद हो जाती है। तो दोस्तों इस तरह से इस मगर लोट की औषधि प्रयोग होता है, जिसे आप लोग कभी भी करके इस्तेमाल करके फायदे ले सकते हो और इसका असली चमत्कार देख सकते हो। इसके और भी बहुत सारे फायदे हैं, लेकिन आज की वीडियो में फिलहाल इतना ही। मिलते हैं किसी और अच्छी नई औषधि वीडियो के साथ। तब तक के लिए आप अपना ख्याल रखिए और खुश रहिए। नमस्कार। जय हिंद। जय छत्तीसगढ़।